आज जेब्रा की रानी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो अपने प्रजाति के जानवरों के जैसा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके आधे शरीर पर निशान होता है और आधे पर नहीं। जब झुंड के सभी जानवर उसे देखने आते हैं तो अपने सरदार से कहते हैं, ये तो हम सभी के लिए पनौती है और इसकी वजह से हमारे पीने का पानी खत्म हो जाएगा और हमें बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही छोटा जेब्रा रोने लगता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये सब अफवाहें हैं। समय बीतता है और खुम्बा बड़ा हो गया है और वहाँ का पानी बहुत थोड़ा बचता है और बाहर के जानवर खुम्बा से पानी पीने की भीख मांगते हैं। खुम्बा वहाँ का थोड़ा सा रास्ता खोल देता है जिससे वो जानवर अंदर आने लगते हैं। ये देख सभी जेब्रा खुम्बा पर बहुत गुस्सा होते हैं और जानवरों को फौरन वहाँ से निकालते हैं, लेकिन तभी एक टाइगर उन जानवरों पर हमला कर देता है और इनके झुंड की ओर बढ़ता है। खुम्बा के पिता जल्दी से उस रास्ते को बंद कर देते हैं और खुम्बा को इस बात के लिए बहुत डांटते हैं और बाकी जानवर खुम्बा के शरीर के आधे निशान पर हंसते हैं। खुम्बा की माँ खुम्बा को उदास देखकर उसे एक कहानी सुनाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।